विश्व हिंदू परिषद महानगर द्वारा आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देश पांडे ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संबोधन में केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देश पांडे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने मेडिकल सेंटर, अनाथालय, छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया है, जिसमें 600 से ज्यादा गाँव में शिक्षा जागरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, धर्म की बात समझने वालों को धर्म की भाषा में जवाब देना एवं उद्यमियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, या भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिसकी जैसी समर्थ हो उसको उसी हिसाब से दूसरों का विरोध अवश्य करना चाहिए, तथा लाखों लोगों को धर्मांतरण से रोकने का कार्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही माताओं बहनों की घर वापसी का कार्य विश्व हिंदू परिषद ने किया। इसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि महानगर द्वारा विश्व हिंदू परिषद का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्थापना के साथ जितने भी काम किए हैं उन कार्यों को कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच लाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल, संचालन प्रांत सहमंत्री शगुन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक विद्या भारती, प्रांत उपाध्यक्ष शिवाजी सिंह, प्रांत कोषाध्यक्ष आरपी शुक्ला, राहुल पांडे, राहुल विनीता पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत प्रचारक प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है, उसमें से
से 700 से ज्यादा कार्यक्रम की संपन्न हुए भी। तो आज के कार्यक्रम में चंद्रन को इन्हें बोलते हुए भी कुछ भगवान कृष्ण के संदर्भ में करता हूं और उसके द्वारा ही कुछ आज की परिस्थिति के संदर्भ में कॉमेंट भी कर सकता हूं। क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर विष्णु परिषद की स्थापना हुई है तो भगवान कृष्ण के जीवन में कुछ दो तीन प्रसंगों का हम थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बाल कृष्ण भगवान कृष्ण जब छोटे थे जब उनको बाल कृष्ण कहते थे तो गोकुल के सारे बाल गोपाल एकत्रित अपने गौओं से चराने के लिए लेके जाते थे और सवेरे से शाम तक सफर होते थे। तो हरि की माता अपने बाप बेटे को कुछ न कुछ भोज दोपहर के भोजन के लिए बांध कर देती थी। आज के जमाने में उसको लंच बॉक्स कर सकते हैं, फिर कर लेते हैं शब्द प्रयोग कर। उसमें गरीबी के संबंध में थे, उस समय जाति व्यवस्था तो थी नहीं, वर्ण थे लेकिन वर्णों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, सभी वर्णों के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे। तो पहले तो ऐसा होता था कि सभी लोग जो समय होता था सब साथ साथ ही जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, ये जाते होंगे। जब दोपहर को भोजन करना होता तो अपने माँ ने जो कुछ बांध कर दिया होता वो सब कहीं ना कहीं गरीब के पीछे या अन्य बाजू में बैठकर अपना अपना जो माने दिया हुआ खाने। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसमें बदल किया। पहले दो दिन उन्होंने देखा सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा अकेला कोई नहीं है, हम सब एकत्रित आकर रहे हैं, जो कुछ लाया है सब यहाँ एकत्रित कर रहे हैं। किसी ने रोटी लाई होगी, किसी ने चावल लाया होगा, किसी ने दही लाया होगा, किसी ने पोहा लाया होगा, अलग अलग प्रकार की सब्जी लाई होगी, जो कुछ है सब एकत्रित करेंगे। और वो सब एकत्रित होने के बाद अब जितने हैं 40-50-30 जो कुछ है तो उसके समान हिस्सा करके हम सब बांट कर खाएंगे। दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत प्रचार प्रमुख। आज गोरखपुर महानगर द्वारा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे केंद्रीय संगठन मंत्री श्रीमान विनायक राव देशपांडे जी जो प्रचारक हैं वो आज उनका मुख्य उद्बोधन है, उनका उद्बोधन हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। और विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना काल के साथ ही जितने भी उसने अभी तक काम किए हैं उन कार्यों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाने का और क्या क्या काम आगे समय में करना है वो सारा कार्यक्रम हम लोग आज लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से रखेंगे। और विश्व हिंदू परिषद को आज अपनी यात्रा करते करते 58 वर्ष हो गए हैं, तो आने वाले समय हम लोग का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है, उसके भी तैयारी का काल चल रहा है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी।